कुछ बच्चों के द्वारा पूछा गया एक सवाल, सर बताइए इस नाम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करें। होता क्या है, आपको आईयूपीएसी नेम दिए जाएंगे और इस आईयूपीएसी नेम की हेल्प से आपको ड्रा करना होता है इनके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसमें से एक आसान सा क्वेश्चन देखिए आप दिया गया है, अब इसी से आपको ड्रा करना है। तो जब भी आपको आईयूपीएसी नाम से जो है अगर स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहचानेंगे उसका वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है पेरेंट चेन में कुल कितने कार्बन है। तो लास्ट में देखिए ये दिया गया हेप्टेन, ये है हेप्टेन, इसका मतलब हेप्ट यहां दिया गया है, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, यानी पेरेंट चेन में कार्बन के नंबर हो गए 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 कार्बन पहले आप ऐसे अरेंज कर देना। अब इसके बाद आ जाना क्या, देखिए 4 और 3 यहां 2 नंबर दिए गए हैं, 3 पे आयडो दिया गया है और 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल दिया गया है। तो पहले आप इसकी नंबरिंग कर सकते हो, इसे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो सबसे पहले आप पहचानेंगे वर्ड रूट में कितने कार्बन है, वर्ड रूट का मतलब होता है पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो आप उसको यहां से पहचान लिए। ठीक, इतना करने के बाद आप आ जाना नंबरिंग कर लेना इसकी। नंबरिंग करने के बाद अब जो जिस नंबर पे दिया गया है उसको वहां पे रखिए। तो 3 पे क्या दिया गया, अच्छा पहले यहाँ पे आओ, 4 पे दिया गया टर्शियरी ब्यूटाइल। बेटा पहले टर्शियरी ब्यूटाइल समझना होगा आपको, टर्शियरी मतलब एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट हो। देखिए ऐसे एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट हो टर्शियरी हो गया। टर्शियरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, आप यहां पे एच कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जानते हैं 3 एच आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे, कुल कार्बन 4 है और जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो कार्बन टर्शियरी है जो डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है। टर्शियरी कुल कार्बन 4, ये हो गया ब्यूट, ठीक है, और वैलेंसी फ्री तो एल्काइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इसका नाम है। अब इसको हम लोग इस 4 नंबर पे कनेक्ट करते हैं, आप 4 पे देखिए यहां पे कनेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा यहां पे CH3, यहां पर हो जाएगा CH3 और यहां पर भी हो जाएगा CH3, ये 4 टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, अब यहां पे 3 पे आयडो कर देना, ये 3 दिया गया है, 3 पे कर देना आप आयडो, ऐसे आई हो गया। अब ये सभी की पोजीशन फिक्स हो गई। अब जो कार्बन आपने पेरेंट चेन बनाया है 7 कार्बन की है किया आपने, और यहां लास्ट में एन लिखा है, एन का मतलब होता है सभी कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब सैचुरेटेड है, आपने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आप कार्बन की वैलेंसी को एच से कंप्लीट कर दोगे, इस कार्बन से एक बॉन्ड बन चुका है, वैलेंसी 4 करनी होती है, यहाँ पे आप कर देंगे CH3, इससे 2 बॉन्ड बन चुका है, 2 वैलेंसी बाकी, यहाँ CH2 कर दोगे। 1, 2, 3 हो चुका है, 1 वैलेंसी बाकी है तो आप एच कर देंगे। 1, 2, 3, 3 हो चुका है, 1 CH, 2 हो चुका है, 2 बाकी CH2, 2 हो चुका CH2, 1 हो चुका है, 3 बाकी CH3, ये इसका स्ट्रक्चर है। कोई डाउट है, देखिए कोई और क्वेश्चन आपके पास हो तो आप पूछिए।